हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं दाल और पालक की एक यूनिक सी रेसिपी, जिसको हम बिना किसी गरम मसाले के बनाएंगे। इसके लिए हमने बहुत ही आसान सी चीज़ें ली हैं, जो नॉर्मली घर में सभी सब्जियों को बनाने में ली जाती हैं। प्याज, टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची। दाल को हमने धो लिया है और पालक को काट लिया है बारीक बारीक। अब हम कुकर में गर्म करेंगे तेल और इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक पिसा हुआ टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग लहसुन नहीं खाते, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसको डाल के हम भूनेंगे मसाले को। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची पाउडर जितना आप चाहें अपने स्वाद के अनुसार, एक चम्मच सूखा धनिया पाउडर। इन सबको डाल के अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें नमक अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये डाल के इनको घी तेल छोड़ने तक मसाले को भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी, या ठंडा भी आप डाल सकते हैं। पानी डाल करके मसाले को उबाल आने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल धोकर रखी है और कटा हुआ पालक, इनको डाल के इसको पकाने के लिए हम डालेंगे पानी। पानी की मात्रा जितना दाल होता है उससे तीन गुना डलती है, यानी एक कटोरी दाल है तो तीन कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। यदि आपको दाल थोड़ी पतली पसंद है तो और डाल सकते हैं। पानी की मात्रा अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं हम। आप ढक्कन लगा करके प्रेशर आने तक इसको पकाएंगे और सिम पर करके 20 मिनट तक पकाएंगे। इसके बाद ये देखिए, दाल हमारी तैयार है। अब हम इसमें एक छोटा सा काम अभी और करना है। वैसे हमारी दाल रेडी है खाने के लिए। यहाँ पर इस दाल में हमने कोई भी अलग से गरम मसाला नहीं डाला है, केवल इतने ही जो नॉर्मल मसाले होते हैं, इसी में दाल टेस्टी बन जाती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा काम अभी और करेंगे। वैसे तो हमारी दाल रेडी है। एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी गरम करेंगे और उसमें आधी चम्मच से भी कम जीरा और थोड़ी सी हींग पाउडर, इनको डाल के भून लेंगे और दो सूखी लाल मिर्चें इसमें डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम यहाँ पर देगी मिर्च कलर के लिए डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कम से कम मसालों में इस दाल को बनाना है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। इसको हम ऊपर से डाल के डाल देंगे और तुरंत ही इस पर हम ढक्कन लगा कर बंद कर देंगे, ताकि इसका जितना भी फ्लेवर है वो दाल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर हम हरी धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, पर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।